चलो आज बात करते हैं इसकी। आज से पहले अगर मुझसे किसी ने डुअल स्क्रीन वाले लैपटॉप्स के बारे में पूछा होता तो मैं कहता मार्केटिंग गेम है, गए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर करीब एक महीने से मैं Asus ZenBook Duo इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसने मेरी राय बदल दी है। इस लैपटॉप की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये लैपटॉप ऊपर से दिखने में, पहली नज़र में एकदम किसी एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह दिखता है, लेकिन एक बार बस घूंघट हटाया तो इसकी ये सेकेंडरी स्क्रीन धीरे धीरे ऊपर उठती है। Asus ZenBook Duo की सबसे बड़ी खूबी तो इसके ये डुअल डिस्प्लेज ही हैं। 14 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले और 12.6 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले आपस में सिंक्ड हैं। दोनों स्क्रीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सेकेंडरी स्क्रीन कुछ जगह अपनी प्राइमरी स्क्रीन का एक्सटेंशन की तरह काम करती है, तो कई जगह इन दोनों स्क्रीन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। जैसे एडिटिंग के वक्त आप बहुत सारे टूल्स जो हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, फोटो एडिटिंग के वक्त आप यहाँ सेकेंडरी डिस्प्ले पर उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और जो मेन जो प्राइमरी डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, उसके ऊपर आप अपने फोटोग्राफ या वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। इसको बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, जैसे एप्पल के मैकबुक प्रोज में वो टच बार जो आई थी, ऑलमोस्ट इसका सेकेंडरी डिस्प्ले उस तरीके का ही आप समझ सकते हैं, लेकिन ये एप्पल मैकबुक प्रो के वो टच बार से ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बेटर है, और इसके यूज केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें स्टाइलस सपोर्ट भी दिया गया है, जो कई यूजर्स को पसंद भी आएगा और इनफैक्ट बहुत काम भी आएगा। जाहिर सी बात है, डुअल डिस्प्ले होने के कारण Asus ZenBook Duo में बहुत बदलाव किए गए हैं जब हम बात करें डिज़ाइन के मामले में। फॉर एग्जाम्पल, इस लैपटॉप को लेकर आप काउच पर बैठकर टाइपिंग बड़े आराम से नहीं कर सकते, बिकॉज एक कन्वेंशनल लैपटॉप में जो जगह दी गई होती है आपकी कलाइयों को रेस्ट करने के लिए, उस जगह पर ZenBook Duo में कीबोर्ड आ गया है फुल क्वालिटी, और इसी तरीके से कीबोर्ड और ट्रैकपैड आ गया है, और इसी तरीके से जहाँ पर ट्रैकपैड होता है नॉर्मल एक कन्वेंशनल लैपटॉप में, ट्रैकपैड जो होता है वो सेंटर में होता है, तो ZenBook Duo में वो ट्रैकपैड को साइड में खिसका दिया गया है। तो डिज़ाइन में थोड़े से बदलाव किए गए हैं इस लैपटॉप को, और काउच पर बैठकर आप काम नहीं कर सकते, आप टेबल के ऊपर रखिए, डेस्क के ऊपर रखिए, और वहाँ पर आप इसके ऊपर काम कीजिए, फिर आएगा असली मज़ा। अब डिज़ाइन से परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ZenBook Duo बाजी मार ले जाता है। तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए ZenBook Duo में इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है, वो भी XE ग्राफिक्स के साथ। 16GB रैम और 1TB की SSD दी गई है, 32GB रैम के ऑप्शन भी हैं, हर्मन कार्डन के स्पीकर्स भी दिए गए हैं। हाई एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से ZenBook Duo को डिज़ाइन किया गया है, और इस एक्सपेक्टेशन पर ZenBook Duo पूरी तरीके से खरा उतरता है। बैटरी के मामले में भी Asus दावा करता है कि ZenBook Duo में 15 से 16 घंटे की बैटरी मिलती है, पर हमारे टेस्ट के दौरान 8 से 9 घंटे इसके ऊपर लगातार काम किया जा सकता है, उतनी बैटरी इसकी मिलती है, तो वो Asus का जो दावा है वो थोड़ा सा, मतलब जिसे कहा जाए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बट आई एम श्योर इस लैपटॉप को देखकर किसी का भी इस लैपटॉप को खरीदने का, इस पर काम करने का दिल कर ही गया होगा, आपका भी आई एम श्योर कर ही रहा होगा। कमेंट करके बताइए मुझे कि ये लैपटॉप कैसा लग रहा है। तो अब बड़ा सवाल कि आखिर ये लैपटॉप है किसके लिए? तो ये डुअल डिस्प्ले वाला ZenBook Duo जो है, ये जैसे लैपटॉप जरा हटके है, तो जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया गया है वो भी नीश कैटेगरी है, जरा हटके है। मतलब इस लैपटॉप के ऊपर उन्हीं यूजर्स को ये लैपटॉप खरीदना चाहिए जो इसके साथ पूरा जस्टिस कर सकें। अगर आपको यूट्यूब, मेलबाजी, सोशल नेटवर्किंग या वीडियोस देखने के लिए, बिंज वॉचिंग के लिए अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, तो कृपा करके इसके ऊपर तरस खाइए, उस लैपटॉप को मत लीजिए। वहीं अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, साउंड इंजीनियरिंग, साउंड एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप ऐसे स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए, ये लैपटॉप
आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए, आप पछताएंगे नहीं इस लैपटॉप को खरीदकर। तो अगर आप इस तरीके के हाई एंड काम करना चाहते हैं तो इसे खरीदिए, अदरवाइज 130,000 रुपए की कीमत वाले इस लैपटॉप के साथ आप पूरी तरीके से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो बस ये रिव्यू यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो के साथ आप भी जस्टिस कीजिए, इस वीडियो के वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हमारी मेहनत के साथ आप पूरा जस्टिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है।